हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया लव टू डांस एंड आई एम प्रिया। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सप्रेशंस के बारे में कि किस तरह हमें डांस करते में एक्सप्रेशंस देना चाहिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। ओके, तो अलग अलग सॉन्ग्स के अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग मूड होता है और सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। जनरली हम हैप्पी सॉन्ग्स पे हैप्पी मूड में डांस करते हैं। किसी भी सॉन्ग पर एक्सप्रेशंस लाने के लिए ज़रूरी है उस सॉन्ग को अंदर से फील करना। ओके, कोई भी सॉन्ग अगर हम स्वर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि वो सॉन्ग हम ही किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम ही गा रहे हैं, किसी को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, तभी हमारे फेस पर एक्सप्रेशंस अच्छे आएंगे। ओके, तो अगर हम जैसे डीजे पर डांस करते हैं तो डीजे पर डांस के लिए केवल स्माइल से काम नहीं चलेगा, तब हमारे फेस पर एकदम खुल के वाली हंसी, खुल के वाली मस्ती, एंजॉय होना चाहिए। जैसे कि ओ हो इश्क तेरा तड़पावे, उसमें हंसी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। ओके, और अगर थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का मूड है तो सिंपल प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। एंड यस, सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए हमारी आँखों का। ओके, कि हमारी नज़रें किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं या उधर जा रही हैं। अगर शर्माना है, शर्माने वाला मूड है, तो नज़रें हमेशा ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगी, फिर धीरे से उठ के ऊपर की तरफ आएंगी। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम आंखों का कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं तो हमारी पलकें झपकनी नहीं चाहिए, है ना, ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। एंड अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हमें उस तरफ हमेशा देखना होता है। जैसे कि अगर हम चांद के बारे में बात कर रहे हैं तो चांद की तरफ ही हमारी फिंगर होगी और हमारी नज़रें भी ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि चांद वहाँ पर है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम आसमान बादल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ऊपर की तरफ देखना है। अगर हम धरती के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी नज़रें नीचे होनी चाहिए, है ना। और अगर हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे लिए, तो हमारी हाथ भी सामने होंगे और हमारी नज़रें भी बिल्कुल जैसे सामने वो हमारे पर्सन खड़ा हुआ है और हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो नज़रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरफ हमारे हैंड मूवमेंट जाएंगे, अगर राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड हमें देखना है, अगर लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड हमें देखना है। अगर हम सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इस तरीके से नज़रों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एक्सप्रेशंस में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सिंपल सॉन्ग्स के लिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि सिंपली हम लोग हैप्पी सॉन्ग्स पर ही डांस करते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ स्माइल रखनी है। आज हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। अगर आपको लेकिन पसंद आए, अगर आप और जानना चाहते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में, अलग अलग मूड के सॉन्ग्स के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ जनरल हैप्पी सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉन्ग बताऊंगी, चांद छुपा बादल में। तो इसमें सारे पॉइंट्स आ गए जो मैंने बताए, चांद, ठीक है, चांद के लिए ऊपर देखा, चांद छुपा, शर्मा के छुपता है, तो वही नजरें धीरे धीरे नीचे आएंगी, छुपा, देन बादल में, तो फिर हमने ऊपर देखा बादल में, ठीक है, फिर आता है ट्रिंग ट्रिंग, तो हमने लेफ्ट देखा राइट देखा, ट्रिंग ट्रिंग। ओके, सो इट्स चांद छुपा बादल में, ट्रिंग ट्रिंग। ओके, तो इस तरह केवल नजरों से और अपनी स्माइल से हम डांस को खूबसूरत बना सकते हैं, प्यारे एक्सप्रेशन से हम अपने डांस को खूबसूरत बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगी, माधुरी दीक्षित तो अपने आप में एक्सप्रेशंस की क्वीन है ही, तो उनका एक सॉन्ग है, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। तो इन्होंने इस पूरी लाइन को सिर्फ अपनी आंखों से एक्सप्रेस किया है, सिर्फ अपनी आंखों से डांस किया है कुछ इस तरीके से।
अखियां मिला, अखियां में राइट साइड देखा, मिलाऊं मैं नीचे देखा, फिर कभी अखियां में लेफ्ट साइड देखा और शुराओं में यूं इस तरीके से, ठीक है। तो अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, देन क्या तूने, तो तूने के लिए सामने, क्या तूने सामने पॉइंट आउट किया अपनी आंखों से ही, क्या तूने किया जादू में आंखें घुमाई हैं इस तरीके से, ओके। सो इट्स अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, ओके। तो इस तरीके से सिर्फ आंखों से ही उन्होंने पूरी लाइन को एक्सप्रेस किया है, डांस किया है। तो एक्सप्रेशंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे आईज का और फेशियल एक्सप्रेशंस का। जो जनरली हमारे फेस पर स्माइल तो ज़रूर ही होनी चाहिए, जो हमें रखनी है, और आंखें एकदम पॉइंट आउट करनी है। जब भी हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उस समय हमें अपनी नज़रें नहीं झुकानी है, ओके। तो इस तरह से सॉन्ग्स के साथ भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो इस तरीके से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। ये तो था अभी बिगिनर्स के लिए, जो सिंपली हम लोग हैप्पी मोड में ही डांस करते हैं उसके लिए। बाकी अलग अलग भाव के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, फॉर एंगर एंड फॉर सैडनेस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, तो मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आगे भी इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ गुड डे, बाय बाय।